हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। टी रेडी है, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी टाइम गुड इवनिंग, ये इवनिंग का टाइम है और मैं चाय लेके बैठी हूँ। एक्चुअली मैं रेड यानी ब्लैक टी पीती थी और ये काढ़ा, तो आज मैं बस इसमें मिल्क ऐड की हूँ, बाकी सब काढ़े का सारा मसाला इसको डाला हुआ है। आज हम लंच में बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिए थे, तो अभी मैं जस्ट इवनिंग का टाइम है, एक सलाद बना ले रही हूँ। मैंने स्प्राउट लिया है, ब्लैक चिकपी और मूंग का, और इसमें कुकुम्बर, कैरेट और टमेटो सारा चीज़ ऐड कर लूँगी और लेमन साथ में। अभी मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा ये सलाद रेडी है। सो आप हर समय हम ऑयली खाते हैं, इससे अच्छा हेल्थी खाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मेरा सौरम भी अभी होमवर्क है, कंप्लीट कर रहे हैं। के फॉर काइट, ऊपर तक अभी नाटक ज़्यादा करता है। साथ में अभी देखिए वो घर बनाया है ब्लॉक में, बहुत यानी उसके साथ खेलना पड़ता है, कुछ कुछ वो बनाया है, मुझे भी बोलता है बनाने को मामा। तो बस हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। सो मेरे हस्बैंड को काम था, बट मैं बोली नहीं वीकेंड है चलो, तो वो थोड़ा कम मस्ती में है। हाँ अभी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत फुल मस्ती में हूँ। और जब बेटे की बात आती है तो वो बोलते हैं कि सब काम हम छोड़ते हैं, चलते हैं उसको इंटरटेन करने के लिए, उसे मस्ती उसे उसके साथ खेलने के लिए। और हम निकल पड़े हैं, एक बहुत दिन हो गया हम उस पार्क में नहीं गए थे, तो आज वो निकल हम जा रहे हैं वहाँ। यहाँ छोटा सा पॉन्ड बनाया है और इसमें डक भी है और फिश भी है बहुत है। हम थोड़ा दिन में आते तो अच्छे से यानी इसे देख पाते, बट नाइट हो चुका था। देखिए यहाँ पर फिश है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम उसमें गिफ्ट सेंटर गए हैं थोड़ा गिफ्ट लेने के लिए। बहुत न्यू थिंग्स आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, क्योंकि हम दोनों शॉप में नहीं गए थे, तो कुछ कुछ मुझे भी पसंद आया था तो अपने घर के लिए लेने के लिए सोचा, तो उन्हें वीडियो करके थोड़ा ला के दिखाना पड़ता है ना कि ये चीज़ है, तो ले आएँगे। तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है, यूनिक है। ये एमिरेट्स है, दुबई का एक कंपनी का यहाँ पर भी शॉप है। सो डिनर में मैंने आलू पूरी बनाने का सोचा था, तो आलू को मैंने ग्रेटेड कर लिया है, इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाला है, और थोड़ा मैंने कस्तूरी मेथी लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसमें लास्ट में मैंने अजवाइन डाला है, अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। आटा में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और साथ में सॉल्ट डाल लिया है। अब इसे अच्छे से टाइट पूरी का आटा रेडी कर लेंगे, तो एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल के अच्छे से इसे कवर करके रख लूँगी। तो आज मेरे हस्बैंड ने कुछ न्यू लाया था, सरसों का साग, तो वो हमेशा देखते थे सरसों का साग, पराठा, मक्के की रोटी, तो
हमारा ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड यहाँ पर सरसों का साग नहीं मिलता है, तो हमने लूलू जो मार्केट गया था तो उन्हें ये दिखा रेडीमेड, तो वो ले आए और बोले कि आज सरसों का साग बनाओ। ये बहुत ईजी है, ये अगर रेडीमेड लाते हो तो वो सारा कुछ उसमें मिला है, नमक भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तड़का लगाना है। तो तड़का में मैंने सरसों का और लहसुन लगाया था, कच्चा मिर्ची, तो उसका तड़का लगा के मैंने सरसों का ये रेडी कर लिया है साग। अब मैं आलू पूरी में बनाने के लिए इसमें लोई में हम आलू मसाला डाल रहे हैं और इसे अच्छे से भरेंगे, पूरा फुल भरिए, कुछ चिंता नहीं। और थोड़ा मोटा लेंगे, हम जब भी इसे बेलेंगे तो हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। थोड़ा मैंने तेल लगा लिया है, अगर आपको यानी आटे से ही जो परथन लगाते हैं उससे ही बनता है तो आप उससे कर लेंगे। अब इसमें मैं तेल डाल दी हूँ, तेल हमारा अच्छे से मीडियम फ्लेम में है। और सो आलू पूरी का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी एक आंटी है मुंबई में थी, उनसे सीखा है। देखिए हमारा आलू पूरी रेडी है, इसके साथ मैंने दही की चटनी बनाई है और ये हमारा सरसों का साग बहुत ही अच्छा लग रहा था।